तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की इस कहानी के एपिसोड में, और उम्मीद है कि क्राइम तक की पूरी फैमिली अच्छी होगी, खुश होगी, सेहतमंद होगी, आप लोग हमेशा अच्छे रहें और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहे। आप लोगों के मेल भी मिल रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ, बहुत सारे लोगों को जवाब भी देता हूँ, कुछ के पेंडिंग हैं, जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं जवाब भी देता जाऊँगा। जो फरमाइश आप लोगों की लगातार आ रही है, कोशिश करता हूँ कि उन सबको भी पूरी करूँ। एक कई लोगों का और आया कि अब कुछ सस्पेंस भरी कहानियाँ सुनाएं, तो मैं कोशिश करूँगा वो भी आपको जल्दी सुनाऊँ। कुछ हिस्टोरिकल स्टोरीज सुनना चाहते हैं, वो भी कोशिश करूँगा कि आपको सुनाऊँ। आज की कहानी, हालांकि थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि इसमें सस्पेंस भी है और हिस्ट्री भी है, तो ये दोनों मिलाकर ये कहानी है, और इस पर कई लोगों ने इसकी फरमाइश भी की थी। पाकिस्तान में अब तक 3 बार सत्ता पलट जो आर्मी ने किया, और 3 जो मिलिट्री रूलर हैं वहाँ पे उन्होंने हुकूमत की, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम तक जो किया है 11 साल तक, उनका नाम है जनरल जियाउल हक। और 11 साल तक पाकिस्तान पे हुकूमत किया, पहले मार्शल ला लगाकर, फिर एज ए आर्मी रूलर, और बाद में अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया, राष्ट्रपति भी बने। जनरल जियाउल हक के बारे में मैं कहानी पूरी सुनाऊं, चूँकि मौत की मिस्ट्री है पूरी, उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी ये ज़रूर होनी चाहिए हम लोगों को कि पाकिस्तान में जो कट्टरवाद, जिस तरीके से पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बना उसके बाद, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो शुरुआत में कहते थे कि चूँकि पाकिस्तान जो बना है वो इस्लाम के नाम पर ही बना है तो इस्लामिक स्टेट होना चाहिए, पर एक दूसरी भी आवाज़ थी वहाँ पर लोगों की कि ज़्यादा कट्टर इस तरह की नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग टाइम पे लोगों ने हुकूमत की पाकिस्तान में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्लामिक रूल और शरिया कानून और इसकी जो वकालत की वो जनरल जियाउल हक। और जनरल जियाउल हक को 2-3 चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है। एक, जब अफ़गानिस्तान में रूस की लड़ाई चल रही थी, उधर अमेरिका भी आ गया, फिर कबायली लड़ रहे थे अफ़गानिस्तान के लोग, जिहाद करने लगे, तो उसको जनरल जियाउल हक ने बहुत बढ़ावा दिया। फिर उन्हीं में से बहुत सारे लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जब आ गए, पाक अधिकृत कश्मीर में, तो वहाँ के ज़रिए भी जिहादी तैयार हुए, और वो फिर हमारे कश्मीर में घुस के उन्होंने आतंकवादी हरकतों को जो अंजाम देना शुरू किया, वो पीरियड वही था जब जनरल जियाउल हक पाकिस्तान की बागडोर संभाल रहे थे। और सबसे अजीब बात यह कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने कई सीनियर जनरल को किनारे करते हुए, जब वो प्रधानमंत्री थे, जनरल जियाउल हक को पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बनाया था, और जनरल जियाउल हक ने भी ये बात सोची नहीं थी कि इतनी बड़ी तरक्की मिलेगी उनको, लेकिन जिस शख्स ने उनको पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बनाया, जिस जुल्फिकार अली भुट्टो ने, उसी जुल्फिकार अली भुट्टो को इसी जनरल जियाउल हक ने बाद में कैद कर लिया और फिर फांसी दी। तमाम दुनिया भर के विरोध के बावजूद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने वाला जो रूलर, वो जनरल जियाउल हक ही था। तो जनरल जियाउल हक ने 11 साल तक हुकूमत की, 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने के बाद ये पाकिस्तान की पूरी जो कंट्रोल अपने हाथ में लिया, उसके बाद फिर वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया, और सितंबर 1978 में अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था, पाकिस्तान का राष्ट्रपति, और 11 साल तक पूरी पाकिस्तान पर हुकूमत की। हालाँकि इस दौरान इंडिया के साथ जो रिश्ते थे वो ख़राब नहीं थे इतने, तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और जियाउल हक के साथ ठीक ठाक रिश्ते चल रहे थे, लेकिन जियाउल हक के पाकिस्तान में तब तक दुश्मन भी बहुत हो चुके थे। लेकिन जो कट्टरपंथी लोग थे, जो ताकतें थीं, चाहे वो जमात इस्लामी और बाकी जो पाकिस्तान में और जो अफ़गानिस्तान के कबायली हुए सारे, वो जियाउल हक को सपोर्ट करते थे। इसी दौरान 1988 अगस्त में पाकिस्तान ने अमेरिका से कुछ टैंक खरीदे थे, और उस टैंक का नाम था MI अब्राहम टैंक, और ये टैंक बहावलपुर में, जो इनका पाकिस्तान का आर्मी का बेस है, वहाँ पे लाया गया था, और उस टैंक को चेक करना था, देखना था। तो चूँकि जनरल जियाउल हक प्रेजेंट होने के साथ साथ आर्मी के चीफ रहे, तो उन्हें भी ये कहा गया था चेक करने के लिए, लेकिन जियाउल हक जो है बहावलपुर जाना नहीं चाहते थे। उस वक्त कई ऐसी रिपोर्ट भी आई थी कि जान को ख़तरा है, कुछ साजिश हो रही है, तो जनरल जियाउल हक के बहावलपुर जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन उन्हीं के जो अपने लोग हैं आर्मी में, बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग,
कहते हैं कि उन्होंने बड़ा फोर्स किया और कहा कि नहीं आपको जाना चाहिए, आपको चलना है, आपको जाना है, और उनकी ज़िद की वजह से फिर ज़ियाउल हक़ को अपना इरादा बदलना पड़ा। 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक़ बहावलपुर पहुँचते हैं और बाकायदा वहाँ पर टैंक का वो मुआयना करते हैं। उनके साथ काफ़ी सीनियर अफसर भी थे और साथ में थे अमेरिका के, जो पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर थे उस वक्त, अर्नोल्ड राफेल, ये एम्बेसडर थे पाकिस्तान में अमेरिका के, अर्नोल्ड राफेल, ये भी बहावलपुर में गए थे। इसके अलावा पाकिस्तान में जो अमेरिकी मिलिट्री के जो एक मिशन के प्रमुख थे, ये भी अमेरिकी, जनरल हर्बर्ट वासम, ये भी वहाँ पर मौजूद थे। तो दो अमेरिका के बड़े अफसर, एक तो खुद अमेरिका के पाकिस्तान में एम्बेसडर और दूसरा अमेरिकी मिलिट्री सैन्य सहायता मिशन के जो हेड जनरल हर्बर्ट, वो भी वहाँ और साथ गए थे। ये वहाँ जाने के बाद ये सारी चीज़ें, ये दोपहर को पहुँचते हैं और बल्कि सुबह ही निकलते हैं और वहाँ सब कुछ चेक करने के बाद दोपहर को वहीं के भावलपुर आर्मी बेस के मेस में ये खाना लंच करते हैं दोपहर का। और इसके बाद तब वहाँ पे जो डिप्टी आर्मी चीफ थे, मतलब ज़ियाउल हक़ के बाद नंबर टू, मेजर मिर्ज़ा असलम बेग, वो भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो अलग प्लेन से गए थे वहाँ पे। और ज़ियाउल हक़ जो गए थे वो एक अमेरिकी ही प्लेन था, हरकुलिस C-130, इससे गए थे। और उस प्लेन में टोटल 9 लोग थे। तो वहाँ पे लंच वंच करने के बाद उसके दोपहर को फिर वापसी इस्लामाबाद आना था। तो 3:45 के करीब जनरल ज़ियाउल हक़ जो अपनी टीम के साथ गए थे वापस प्लेन में, इसी हरकुलिस C-130 में सवार होते हैं। ज़ियाउल हक़ के अलावा इस प्लेन में उनके साथ पाकिस्तानी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के जो प्रमुख थे उस वक्त हेड, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान भी मौजूद थे। इसके अलावा और भी सेना के बड़े अफसर थे। जब ये प्लेन में जा रहे थे तब कहते हैं कि मिर्ज़ा असलम बेग जो डिप्टी चीफ थे पाकिस्तानी आर्मी को, ज़ियाउल हक़ ने उनसे भी कहा कि आप चलो इसी प्लेन में, आप मेरे साथ चलते हैं। तो फिर ये कहा कि नहीं आप तो अपनी अपना प्लेन लेकर आए हैं तो आप फिर उसी में आइए। तो कहते हैं कि बस वो कुछ फ़र्क था, अगर वो मिर्ज़ा असलम बेग भी बैठ जाते तो ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी उड़ान होती। खैर ये तमाम 9 लोग जिसमें अमेरिकी एम्बेसडर भी पाकिस्तान के, और ये सारे बैठते हैं और ये प्लेन उसके बाद वहाँ से बहावलपुर एयरबेस से रनवे से उड़ान भरता और इसको पहुँचना था इस्लामाबाद। अब इस जो C-130 हरकुलिस था इसके पायलट थे विंग कमांडर मसूद हसन, और कहते हैं मसूद हसन को जनरल ज़ियाउल हक़ पर्सनली बहुत ज़्यादा मानते थे और ट्रस्ट करते थे। एक मैंने शुरू में कहा कि चूंकि एक डिक्टेटरशिप वाली पूरी ज़िंदगी गुजारी है जनरल ज़ियाउल हक़ ने, तो किसी पे भरोसा नहीं करते कभी भी और हमेशा शक। लेकिन जो मसूद हसन जो पायलट, उसको कहते हैं कि ख़ास तौर पर काफ़ी ट्रस्ट था जनरल ज़ियाउल हक़ को। तो वो उस प्लेन को उड़ा रहे थे, विंग कमांडर मसूद हसन। 3:45 पर रनवे से ये प्लेन टेक ऑफ करता है और उसके बाद ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत हो रहा, तब सब कुछ नॉर्मल है। जो पायलट है विंग कमांडर मसूद हसन वो बात भी करते हैं, बाकी सारे मौसम और उसकी जानकारी भी लेते हैं। लेकिन 18 के बाद ही टेक ऑफ के अचानक ATC से इस प्लेन का संपर्क टूट जाता है, और इसके बाद जैसे ही ये संपर्क टूटता है तो अब जाहिर सी बात है ATC में और उसमें हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये जो एक तरह से पाकिस्तान वन प्लेन था, ये जैसे एयरफोर्स वन कहते हैं हम लोग, इंडियन एयर इंडिया वन है जिसमें भी आपके देश का प्रमुख बैठ के जाता है, तो एक तो ये प्लेन और ऊपर से उसमें प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। तो अचानक जब ATC से संपर्क टूटता है तो तमाम हड़कंप मच जाता है, खोजबीन शुरू होती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। और तभी 18 किलोमीटर दूर बहावलपुर से एक रेगिस्तानी एरिया, वहाँ पे कुछ गांव है, उस गांव के लोग देखते हैं कि आसमान में एक प्लेन जो है वो अचानक बड़ी तेज़ी से नीचे आता है, फिर संभलता है, नीचे आता संभलता है। 3 चक्कर उसने काटे और तीसरे चक्कर के बाद
वो नोज़ के बल प्लेन सीधे नीचे, और रेगिस्तान में नोज़ के बल वो आके धड़ाम सा गिरता है। उसके बाद चूँकि टैंक फुल था, एक ज़बरदस्त धमाका होता है और चारों तरफ आग ही आग। करीब उस वक्त टाइम हुआ था 3:51 जब यह हादसा हुआ। अब जिस तरीके का हादसा था, जाहिर सी बात उसमें किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। तो ATC से इधर खबर मिली कि चूंकि संपर्क टूट चुका है, तो फौरन बाकी लोगों को अलर्ट किया गया जो पाकिस्तान के एयरफोर्स के थे वो सारे। उन्होंने फिर उड़ान भरी चेक करने के लिए, तो 18 किलोमीटर दूर ही ऊपर से धुआं और आग सब कुछ दिखाई देने लगा। इस दौरान में एक चीज़ और हो रही थी कि जो मिर्ज़ा बेग थे, जो डिप्टी चीफ आर्मी के नंबर 2, वो दूसरे प्लेन से अब इस्लामाबाद के लिए उड़ते हैं, ज़िया-उल-हक़ के साथ बैठे नहीं थे। तो इस दौरान में उनके पायलट के थ्रू भी ATC से खबर मिलती है कि वो ATC के रडार से गायब हो गया और संपर्क नहीं हो रहा है। तो फिर मिर्ज़ा बेग और उनके पायलट को ऊपर से दिखाई देता है इस प्लेन का मलबा जिसमें ज़िया-उल-हक़ बैठे हुए थे, और कहते हैं कि वो पूरा एक चक्कर काटते हैं और उस मलबे को देखते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था वो ऊपर से ही भाप लेते हैं कि इसमें किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। और वो एक चक्कर काटने के बाद फिर पायलट से कहते हैं कि चलो इस्लामाबाद ले चलो, और वो वहाँ पे उतरने की कोशिश भी नहीं करते और सीधे इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। करीब 5-7 के बाद उड़ा था इनका मिर्ज़ा बेग का जो प्लेन है ज़िया-उल-हक़ के उड़ने के बाद। तो अब यहाँ पे एक अजीब चीज़ थी कि एक चीज़ पता है कि इसमें प्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान है और ये प्लेन क्रैश कर गया और वो उसके ऊपर हैं, उड़ रहे हैं और रेगिस्तानी इलाका है, बट वो कोशिश नहीं करते वहाँ पे लैंड करने की, या फिर और सीधे एक चक्कर काटने के बाद वो इस्लामाबाद पहुँचते हैं। हालांकि बाद में उनका कहना था कि चूँकि उन्हें अब मालूम हो चुका था तो बाकी चीज़ें देखनी ज़रूरी थी, इसलिए इस्लामाबाद पहुँचना ज़रूरी था। अब ये चीज़ें खबर तो आ गई थी, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के लोग, वायुसेना के लोग मौके पे पहुंचते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं, तो जितने भी लोग सवार थे उन सब की मौत हो जाती है। सॉक्स और शूज़ और कुछ और चीज़ों से जनरल ज़िया-उल-हक़ की पहचान होती है, उसी तरीके से एम्बेसडर जो US के हैं उनकी पहचान होती है। और धीरे धीरे अब शाम होने लगती है तो एक अफवाह तो फैल जाती है पाकिस्तान में कि किसी बड़े आदमी की मौत हो गई है, पर वो आदमी कौन है ये नहीं मालूम। और फिर रात में जाकर कहीं जब वो सारी चीज़ें और बॉडी की शिनाख्त हो जाती है, तब पाकिस्तानी रेडियो और TV ऐलान करता है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल ज़िया-उल-हक़ की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। और इसके बाद फिर पाकिस्तान में जाहिर सी बात है शोक की लहर दौड़ जाती है। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद अब इंक्वायरी भी होनी है, जांच भी होनी है, और इसकी जांच के लिए बाकायदा पाकिस्तान ने अमेरिका की भी मदद ली। उधर इस प्लेन क्रैश के बारे में राजीव गांधी को भी खबर मिलती है। यहाँ पे पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट की प्लेन क्रैश किया, तो अमेरिका के जो एम्बेसडर थे उस वक्त नई दिल्ली में, वो सबसे पहले ये खबर PMO को देते हैं और राजीव गांधी तक ये बात जाती है। उसकी एक वजह ये भी थी कि कहीं पाकिस्तान में ऐसा ना हो कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है या रॉ का हाथ है, तो उससे फिर वॉर का भी खतरा हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके की डिक्टेटरशिप थी जनरल ज़िया-उल-हक़ की, तो अब मौत हो चुकी है, तो उसके बाद जो भी सत्ता संभालेगा वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए फिर खबर दी जाती है, और इसके बाद तमाम जो संवेदनाएँ, दुख, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। राजीव गांधी पाकिस्तान हाई कमीशन जो नई दिल्ली में है उसके वहाँ जाते हैं, डायरी पे अपनी वो उनके बारे में सब कुछ लिखते हैं, अपनी संवेदना जताते हैं। अब इसके बाद जांच शुरू होती है। जो जांच होती है शुरुआती, उसमें जो मिर्ज़ा असलम बेग है उनका ये कहना था कि ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, और जितने भी लोग थे इस प्लेन के लैंडिंग से लेके उड़ने तक करीब 80 ऐसे लोग थे जिनका इस प्लेन के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ हो या फिर बाकी स्टाफ हो। उन सब से एक एक कर पूछताछ की गई, प्लेन के मेंटेनेंस की, उसकी टेक्निकल अच्छाई और ख़राबी की, वो सारी चीज़ें। चूँकि ये अमेरिका की बनी हुई हरकुलिस C-130 थी, और उसमें सब कुछ चेक किया गया। सब कुछ चेक करने के बाद जो पूरी एक इंक्वायरी कमीशन भी बनी, लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट तो खैर कमीशन बाद में बनी। जो शुरुआती पाकिस्तान में कहा गया और मिर्ज़ा असलम बेग और बाकी लोगों के थ्रू वहाँ के ISI, उस वक्त हामिद गुल जो है चीफ ISI का, कि
ये एक एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक साजिश है, और इस साजिश के तहत जनरल जिया-उल-हक की मौत हुई है। मतलब ये प्लेन एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है। अब सवाल ये था कि ये साजिश है तो इसमें कौन लोग हो सकते हैं। पहली उंगली उठी अमेरिका की तरफ कि अमेरिका जो है वो, और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, वो कुछ चीज़ों को लेकर नाराज़ थी और इसीलिए उसने जनरल जिया-उल-हक को मरवा दिया। अब दूसरी चीज़ ये थी कि जनरल जिया-उल-हक बहावलपुर जाना को तैयार नहीं थे, क्योंकि मालूम था कि इनकी जान को ख़तरा और कुछ भी हो सकता है। तो एक बातें ये उठी कि अमेरिका ने जनरल जिया-उल-हक को यकीन दिलाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, और उस प्लेन में अपने ही एम्बेसडर और जो दूसरे एक सैन्य के प्रमुख थे वहाँ पे, उनको भी बिठाया, क्योंकि फिर ये कि इतने बड़े दो अधिकारी बैठे हुए तो इनको तो नहीं मार सकते अपने ही लोग, तो भरोसा दिलाने के लिए बैठाया गया। एक जो पूरी एक जो इसमें बातें उड़ी उसमें एक ये था। तो CIA ने जनरल जिया-उल-हक को भरोसे में लेने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए अपने दो बड़े अफसरों को बैठाया और उनकी भी जान ले ली। और अमेरिका का इसमें, चूँकि CIA अफ़गानिस्तान की पॉलिसी और कुछ चीज़ों को लेकर, वो नहीं चाहता था कि जनरल जिया-उल-हक रहे लंबे टाइम तक। एक दूसरी चीज़ ये आई, जो अपने रॉ के उस वक्त आनंद वर्मा चीफ थे, उन्होंने रिकॉर्ड पे ये कहा है कि जनरल जिया-उल-हक की मौत से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बातचीत चल रही थी, और सियाचिन जो कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है हमारा बरसों से चला रहा है, उस सियाचिन समझौते के लगभग हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों बहुत करीब पहुंच गया था, और राजीव गांधी और जिया-उल-हक के बीच में ये लगभग तय हो गया था कि शायद सियाचिन का समझौता हो जाए और ये हल हो जाए, लेकिन बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि सियाचिन का समझौता हो। तो ये एक शक था कि जो लोग नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में समझौता हो, उससे ये भी हो सकता था कि जिया-उल-हक और राजीव गांधी दोनों को नोबेल पीस का प्राइज़ भी मिल जाता। तो सियाचिन समझौते से ऐन पहले जिया-उल-हक की मौत उन लोगों की वजह से हुई जो नहीं चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस हो, शांति और इस तरह का समझौता हो। तो एक ये भी आया। लेकिन फिर कहा गया कि अमेरिका क्यों, क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान जिस तरीके से रूस के खिलाफ लड़ रहा था, तो अमेरिका की एक तरह से मदद ही कर रहा था। लेकिन जो जिया-उल-हक के बेटे हैं इजाज़-उल-हक, उनका ये था कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री और कई लोगों से उस वक्त बात की और डिमांड की कि इसकी अच्छे से जांच हो, इंक्वायरी हो, बट उन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, उल्टे इस जाँच को दबाया। हालाँकि अमेरिकी एयरफोर्स के और बाकी टेक्नीशियन पाकिस्तान पहुँचे, इस पूरे मामले में जाँच की, और जाँच के बाद अमेरिका ने ये रिपोर्ट दिया कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट था और ये एक दुर्घटना था, इसमें कोई सबोटाज नहीं था और इसमें कोई हमला और या इस तरह की साजिश नहीं थी जान से मारने की, बस ये एक सिंपल हादसा था, ये रिपोर्ट दी। पाकिस्तान जो इस पूरे मामले में जिसने कमीशन जो एक बिठाया और इसकी जांच के लिए, आज तक उस कमीशन की रिपोर्ट, 30-31 साल हो गए जनरल जिया-उल-हक की मौत को और उनकी मौत से जुड़े हुए मामले की जाँच के लिए जो कमीशन बनी, उस कमीशन की रिपोर्ट आज भी क्या है कभी सार्वजनिक किया ही नहीं गया और न किसी को मालूम है। इसके बाद फिर बाद में जब चुनाव हुआ था, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो जीती और बेनज़ीर भुट्टो जीतकर प्रधानमंत्री बनी, और जब बेनज़ीर भुट्टो से पूछा गया जनरल जिया-उल-हक की मौत के बारे में, तो उनका कहना था कि ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा कारनामा है। जाहिर सी बात है, बेनज़ीर भुट्टो के मुंह से ये बात इसलिए भी निकलेंगी क्योंकि उनके वालिद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने वाला शख्स वही था। तो पाकिस्तानी कमीशन की भी कभी कोई रिपोर्ट वो सार्वजनिक नहीं हुई। इसके बाद एक बार बीच में पाकिस्तानी ISI के लिए काम कर चुके एक बड़े अफसर ने अचानक ये कह के हंगामा कर दिया था कि जो जिया-उल-हक की मौत है वो एक साजिश है और इस साजिश में अमेरिका शामिल था, और उसी की ये बात भी थी कि जो एम्बेसडर और इन लोगों को बैठाया गया था वो जानबूझ के बैठाया गया था ताकि जिया-उल-हक को भरोसे में ले आ सके। फिर बाद में और जब जाँच हुई, एक चीज़ लीक हुई थी और एक चीज़ की, जब उस पूरे मलबे की वो सारी चीज़ें जब जांच की गई तो कहा गया कि उस मलबे के पास से कुछ एक तरह का एक विस्फोटक होता PETN, उसके कुछ कण बरामद हुए थे, और वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में पाए नहीं जाते, वो बाहर से कहीं से आया था। तो उसमें यह था कि या तो प्लेन के अंदर कोई बॉम्ब फिट किया गया था, या एक ऐसा गैस जिसका असर इतना तेज़ था कि अगर कोई ऑक्सीजन मास्क निकालता या मास्क निकालता उससे पहले ही अपना काम कर जाता, तो उसका इस्तेमाल किया गया था। और फिर उसमें अब ये भी आया कि इसमें मोसाद और रॉ का हाथ हो सकता है और ये ज्वाइंट ऑपरेशन था।
क्योंकि इसराइल के साथ पाकिस्तान की कभी बनती नहीं, लेकिन उसके बारे में कोई पुख्ता प्रूफ नहीं मिला। फिर आया कि रूस का इसमें हाथ हो सकता है, और रूस की जो सीक्रेट सर्विस, जो उनकी एजेंसियां हैं, KGB है, उसका इसमें हाथ हो सकता है। तो एक वो भी आया, लेकिन उसके बारे में भी कोई पुख्ता प्रूफ कभी मिले नहीं। बाद में ज़ियाउल्लाह के बेटे ने एक इल्ज़ाम ये भी लगाया कि इसमें बाहरी जो ताकतें थी वो तो थी, लेकिन बिना अंदर के लोगों के मिले हुए नहीं हो सकता। और उंगलियां उठी मिर्ज़ा असलम बेग पे, जो नंबर टू थे, जो कि ज़ियाउल्लाह के प्लेन में नहीं बैठे, और ज़ियाउल्लाह के प्लेन उड़ने के 5-7 मिनट के बाद उड़े, और उन्होंने उस मलबे को देखा और एक चक्कर काटा और वापस इस्लामाबाद पहुंच गए, वहां उतरने की कोशिश नहीं की गई। इसको लेकर इजाज़ुल हक ने, जो ज़ियाउल्लाह के बेटे हैं, बाकायदा सवाल उठाया था कि एक इतने बड़े शख्स की मौत हो जाए और हादसा हो जाए, और एक शख्स एक चक्कर काट के वापस भी ना उतरे या बहावलपुर भी नहीं लौटे, सीधे इस्लामाबाद जाए, तो ये शक पैदा करता है। हालांकि इस पर मिर्ज़ा बेग ने अपनी सफाई दी थी कि एक तो वो अलग प्लेन से इसलिए जा रहे थे इस्लामाबाद, क्योंकि वहाँ पे एक कस्टम है कि जब भी चीफ कोई आता है, आपका प्रेसिडेंट आ रहा है, तो उसको रिसीव करना होता है एयरपोर्ट पर, तो इसलिए वो अलग प्लेन में गए थे। लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल है कि अगर आपको रिसीव करना था तो आप ज़ियाउल हक की प्लेन के उड़ने से पहले आपको उड़ना था, लेकिन यहाँ उल्टा था, वो 5-7 मिनट के बाद इनकी प्लेन ने उड़ान भरी। तो इसको लोग बहुत कई वक्त तक शक के घेरे में रहे। पाकिस्तान के कई जनरलों पे और उंगली उठी कि पाकिस्तानी आर्मी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मिले हुए थे और जो CIA की या फिर बाकी किसी और ताकतों की मदद कर रहे थे, और वो नहीं चाहते थे कि ज़ियाउल हक जो है वो अब प्रेसेंट रहे। ISI के जो पाकिस्तान का चीफ हामिद गुल से जब ये पूछा गया कि ये क्या था, तो हामिद गुल ने हमेशा कहा कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक साजिश थी और ये कत्ल की साजिश थी। बाकायदा कोट करके पूछा गया कि अच्छा, इसमें क्या इंडियन जो खुफिया एजेंसी रॉ है वो शामिल है या फिर कोई और, तो हामिद गुल का कहना था कि नहीं, रॉ इस वक्त इतनी मजबूत नहीं थी जब ये हादसा हुआ, और KGB को भी क्लीन चिट दे दी थी हामिद गुल का कहना था कि अगर KGB को ऐसा करना होता, जो रशिया की एजेंसी है, तो वो पहले भी उसको बहुत मौके ऐसे मिले थे, वो कर सकता था, लेकिन KGB ने भी नहीं किया। हामिद गुल का हमेशा इशारा अमेरिका की तरफ रहा, और वो उनका मानना था कि इसमें अमेरिका का ही और CIA का हाथ हो सकता है। एक अचानक बीच में थ्योरी आई थी, संडे टाइम्स ने एक रिपोर्ट उस वक्त पब्लिश की थी, उसमें ये था कि इस पूरे मामले में जो पायलट था मसूद हसन, उसके इन्वॉल्वमेंट को लेकर, हालांकि एक कहानी जो मैंने आपको शुरू में बताई कि जनरल ज़ियाउल हक इस पायलट विंग कमांडर मसूद हसन पे बहुत ट्रस्ट करते थे, लेकिन कहते हैं कि वो ट्रस्ट शुरुआत का था और ये बहुत करीबी भी था, लेकिन एक वाकया, एक हादसा ऐसा हुआ जिसके बाद मसूद हसन जो है वो थोड़ा बदल गया था। ये संडे टाइम्स की रिपोर्ट थी, और वो ये थी कि किसी एक धार्मिक नेता की मौत हो गई थी, और अब्दुल कदीर खान पाकिस्तानी आर्मी के ही थे, उनको कोट करते हुए संडे टाइम्स लिखा था कि एक रिलीजियस लीडर थे, एक मौलाना थे, जिनकी मौत हो गई थी, और उसका शक ये था कि जनरल ज़ियाउल हक ने मरवाया है, और उस रिलीजियस लीडर के मसूद हसन बहुत करीब था, और कहते हैं कि जब उसे पता चला और ये मालूम हुआ कि इसके पीछे में जनरल ज़ियाउल हक का हाथ है, तो वो जनरल ज़ियाउल हक से नफरत करने लगा। तब भी वो ज़ियाउल हक के ही साथ था, लेकिन इस इंसिडेंट ने उसको बदल दिया और वो नफरत करने लगा, और उसने ये कहा था कि मुझे मौका मिलेगा जिस दिन, तो मैं जनरल ज़ियाउल हक से इसका बदला लूँगा। तो एक ये भी थी कि क्या पायलट ने जानबूझ के उस प्लेन को क्रैश कराया था, हालांकि इसके आगे पीछे कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं। मसूद अजहर के फैमिली और बाकी जितने क्लोज हैं उन सब से भी बातचीत की गई, लेकिन उसमें कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। एक इसमें थ्योरी ये भी आई थी कि जो प्लेन के अंदर आम की पेटी, क्या ज़ियाउल हक के जो सेक्रेटरी थे वो बहावलपुर से आम की पेटी रखी थी ज़ियाउल हक के लिए, ज़ियाउल हक आम के शौकीन थे, और उस पेटी के नीचे गैस रखी गई थी, और कहते हैं कि वो अचानक वो गैस निकला और इतना तेज़ी से वो फैला कि किसी को भी मौका ही नहीं मिला कि वो कोई मांस या कोई चीज़ पहन सके।
हालांकि इन चीज़ों के इंतज़ाम होते हैं इमरजेंसी के लिए सारी, कि को पॉइजन जहरीली गैस और ये वो, लेकिन उसका 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 असर इतना तेज़ी से था कि किसी को पलक झपकते ही मौका नहीं मिला, और उससे सारे लोग अचानक बेहोश हो गए, और उस बेहोशी की वजह से पायलट भी बेहोश हुआ और वो प्लेन, और चूंकि प्लेन के एक अभी तक कोई विटनेस नहीं मिला कि आसमान में ब्लास्ट हुआ, तो इसका मतलब है कि आसमान में कोई बॉम्ब फटा नहीं था, और नोज़ के बल गिरा, और जहाँ पर वो गिरा उसके बहुत अंदर तक वो रेत में धंस भी गया था। तो एक ये भी है कि आम की पेटी में उस गैस को छुपा कर रखा गया था, और उस गैस की वजह से पायलट बेहोश हुआ और सारे लोग बेहोश हो गए, और फिर ये हादसा हुआ। तो अब अगर ये गैस आम की पेटी में छुपाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो वहाँ पे पूरे ऑपरेशन में प्लेन के मेंटेनेंस से लेके बाकी चीज़ें इन्वॉल्व थे, उनमें से कोई एक था, या फिर पाकिस्तानी आर्मी का कोई ऐसा अफसर जिसकी उस प्लेन तक पहुँच थी और उसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें थी, सारे शक थे, सारे सवाल थे, लेकिन आज तक जनरल जिया-उल-हक की मौत का सच जो है, असली कहानी क्या है, वो सामने नहीं आया। करीब 30-31 साल हो गए, ना उस कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की गई है, ना कोई जानकारी है, लेकिन जनरल जिया-उल-हक के बेटे एजाज-उल-हक का हमेशा ये कहना है कि ये एक मर्डर था, ये एक प्लानिंग के तहत किया गया, और इसमें कोई भी ऐसी मतलब साजिश की बात को इनकार नहीं कर सकते, और ये साजिश ही के तहत किया गया। इसमें एक और था जो कहीं से लीक हुई थी एक रिपोर्ट में, जो कमीशन और बाकी शुरुआती हुई थी, कि इस हरकुलिस C-130 की जब पूरी बाद में मलबे और सारी चीज़ों की जांच की गई, तो इसके एलिवेस्टर बूस्टर पैकेज से छेड़खानी के कुछ सबूत मिले थे, एलिवेटर बूस्टर पैकेज के, और जिस तरीके से वो होना चाहिए उससे ऐसा लगा था मैनुअली किसी ने इसके साथ छेड़खानी की है। तो एक रीज़न ये भी है इस प्लेन के गिरने का, ये भी हो सकता है, लेकिन वही है कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर किसी का गिरबान पकड़ना, किसी का गला पकड़ना, या कौन है इसके पीछे, CIA है, KGB है, रॉ है, मोसाद है, पाकिस्तान के अपने इंटरनल जो आर्मी के लोग हैं वो शामिल हैं, पॉलिटिशियन हैं, ये पता नहीं, ISI खुद है, क्योंकि इसके बाद जिया-उल-हक की मौत के बाद इसी ISI ने, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ उस वक्त थी, मौत के बाद बेनज़ीर भुट्टो की एक तरह से ISI ने बाकी बहुत मदद की और सपोर्ट किया, और कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को PM बनाने में और चुनाव जितवाने में उस वक्त ISI का बहुत बड़ा रोल था। तो उसको लेके भी एक शक उठा कि कहीं ये एक तरह का बदला तो नहीं था, बदले की कार्रवाई नहीं तो नहीं थी। तो ये सारे शक सवाल थे, लेकिन आज 30-31 साल के बाद भी जिया-उल-हक की मौत हादसे में हुई या साजिश के तहत हुई, और किस कौन है अगर ये साजिश, तो इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके बारे में पुख्ता तौर पर कोई भी दावे से कुछ नहीं कह सकता। ये सिर्फ एक सस्पेंस है, और आज भी ये जिया-उल-हक की मौत एक सस्पेंस ही बनी हुई है। तो ये थी पूरी कहानी। इससे जुड़े हुए जो भी और भी कुछ चीज़ें अगर हो, कुछ सवाल हो, या आपके पास कुछ जानकारी हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेल कीजिएगा। और आज चूँकि हमारे दफ्तर में बहुत सारा काम पेंडिंग है, और वो काम अधूरा भी है, करना है, तो सवाल जवाब आपसे फिर किसी दिन, आज इतना ही बस, और इजाज़त दीजिए, माफ़ी भी चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा वक्त की कमी भी है। तो कल मुलाकात होगी, कल सैटरडे है, शनिवार है, किसी और नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे रहें। थैंक यू वेरी मच।